नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप मजे कर रहे होंगे। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़िए, आप जहाँ जहाँ क्षेत्र हैं राजस्थान में, ठीक है, जो भी विज्ञान के प्रेमी हैं। तो अब आज हम देखेंगे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है, एक छोटा सा वीडियो है ये न्यूमेरिकल के बारे में। मान लीजिए आपके घर पर कोई मेहमान आए, ठीक है, चलो आपने BSc कर ली, साइंस में फिजिक्स पूरी पढ़ ली, आप अपनी, मान लीजिए आप अपनी होने वाली पत्नी जी को देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपकी पत्नी जी आपसे पूछती है आपने क्या किया, आप बोलते मैंने फिजिक्स पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, तो वो बोलेगी ये देखो ये एक चाय का कप है, ठीक है, ये चाय का कप है, इसमें जो दूध डाला हुआ है इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपसे पूछ ले कितना आवेश है, कि आपने इतनी ज़्यादा साइंस पढ़ी है तो आपसे पूछ ले इसमें कितना आवेश है, तो आप क्या उत्तर दोगे, आप उत्तर दोगे, क्योंकि विज्ञान के पास इनका भी उत्तर है, विज्ञान आपको हर चीज का उत्तर देगा। तो यही हमारा प्रश्न है, देखिए, एक कप जल में कितनी मात्रा में धन तथा ऋणावेश होता है, हमें आज ये कितना अच्छा प्रश्न है ना, कुछ ज्यादा दिया हुआ भी नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ यार, बहुत कुछ दिया हुआ, अभी आपको दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा, अभी आपको प्रश्न देखने का तरीका नहीं दिखा, अभी आप देखोगे प्रश्न में क्या है। एक कप जल 250 ग्राम दिया हुआ, एक कप मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी 250 ग्राम, एक कप जल में कितनी मात्रा में हमें क्या ज्ञात करना है, कितनी मात्रा में धन तथा ऋणावेश होता है, हमें ज्ञात करना है कि धनावेश और ऋणावेश कितना होता है, हमें क्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो याद है कि आपको जल दिया, ये जल है भैया, ये लोगों के लिए जल है, हमारे लिए क्या है, H2O है, ठीक है ना, H2O है, आपको मालूम है H2O का द्रव्यमान कितना होता है, अभी निकालते हैं, हाइड्रोजन का 2 × 1 + 8 = 10, 10 कैसे हो रहे हैं, 16 होता है ना इसका, 16 होता है, 8 नंबर परमाणु क्रमांक, 8 नंबर क्रमांक कितना 16, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 × 1 = 16 मतलब 18, इसका क्या है परमाणु भार, ये एक एटॉमिक मास यूनिट है, AMU में है, ठीक है ना। आपको जल दिया है, मैंने जल लिख दिया, जल को मैंने फिजिक्स के रूप में लिख दिया, m = 250 ग्राम आपको दिया हुआ है। तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, एक कप जल है तो हमें आवेश ज्ञात करने से पहले आप मन में q बराबर क्या होता है, ne होता है, q = ne, तो ठीक है, आपको पहले ज्ञात करना है n, यानी n मतलब उस कप में कितने अणु हैं, उस कप में अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये दिख गया ना, अभी आप इससे अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे, देखना कैसे ज्ञात करते हैं, किसी एक कप में, एक कप में ये थोड़ा फिजिक्स वाला आएगा, केमिस्ट्री वाला आएगा, एक कप में अणुओं की संख्या ये होता है, सूत्र मैं आपको बताता हूँ, भाषा में लिखूं, चलो भाषा, दिया हुआ द्रव्यमान, नॉर्मल तो होता है दिया हुआ द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान गुणा अवोगाद्रो, ये सूत्र होता है, ठीक है ना, अवोगाद्रो, आपने कहीं ना कहीं ये सूत्र पढ़ा है, अवोगाद्रो संख्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्मॉल एन कैपिटल एम गुणा एन ए, जहाँ एन ए अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान आपको याद होगा, ये तो बहुत ही फेमस है भैया, 6.023 × 10³⁻³⁻³⁻⁻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 
23 और ये क्या होता है, एक कप में अणुओं की संख्या का एक सूत्र होता है, केमिस्ट्री में हमने नहीं पढ़ा तो आज पढ़िए, इसी कप में अणुओं की संख्या दिया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणा अवकाद्र संख्या। अगर मैं इसे गुणा कर दूं तो आपको कहीं पे भी मान लीजिए मटकी में भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, मटकी हो कुछ भी। अगर आपको दिया हुआ द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान मतलब ये, अगर आपका उस जो कप है कप में अंदर क्या है जल है तो जल का मोलर द्रव्यमान क्या है, ये मोलर द्रव्यमान है, ठीक है ना, ये क्या है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, ये मोलर द्रव्यमान है। तो मान रखना है अभी, तो अब हमें क्या n मिल जाएगा, n मतलब एक कप में जल का अणुओं क्या n मान लिया मैंने, तो ये देखिए n बराबर दिया हुआ द्रव्यमान, ये दिया हुआ द्रव्यमान, ठीक है, ये दिया हुआ द्रव्यमान मतलब उस कप में कितना जल है 250 ग्राम दिया हुआ द्रव्यमान, जो आपको दिया है 250 ग्राम, ये लिखा हुआ 250 ग्राम। अगर आपको ध्यान रखना है एक कप का स्टैंडर्ड मान होता है 250 ग्राम होता है, ठीक है, दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान आपको कप में क्या डाला है जल, जल का मोलर द्रव्यमान क्या 18। अवकाद्र संख्या के बारे में आप भली भांति जानते हैं, 6.023 × 10³। अभी आपको गुणा भाग नहीं करना है।
मतलब एन ही, ठीक है, एन ही, क्यू बराबर एन ही होता है, ये देखिए एन ही ऐसा है, ये थोड़ा आपको पता है, क्यू बराबर एन ही है, ठीक है, एन ई है, और एन अणुओं के लिए ज्ञात करना हो आवेश तो क्यू बराबर एन एन ही होता है, ठीक है, क्यू बराबर एन एन ही। तो अब ये देखिए आपको एन मिल गया, अब आपको ये ज्ञात करना है एन ई आखिरकार कितने, उसमें क्या बोलते हैं, कितना एक जल के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटोन है, यानी कितना ऋणावेश है और कितना धनावेश हम ये ज्ञात करेंगे। अगर आपको इतने बड़े पैमाने में ज्ञात करना होता तो ये सूत्र ये समझ जाता है एन एन ई, ठीक है, यानी एन अणुओं के लिए, ये एक अणु के लिए एन अणुओं के लिए आवेश, ये एक अणु के लिए आवेश, अन अणुओं के लिए आवेश, ये सूत्र है, हमें इसका प्रयोग करना है। आपको ये दिमाग में रखना है क्या, क्यू अभी आप कोने में लिखूं क्यू बराबर एन एन ई, यानी आपसे होने वाली पत्नी जी पूछे कि आप उनको करके बताओ भाई भैया देखिए इस एक कप में, इस एक कप में जो जल में है कुल मिला कितने आवेश हैं, अभी आप बताओगे देखना। तो ये देखिए अभी हम पहले क्या करेंगे, H2O में आवेश, यानी सिर्फ एक H2O में आवेश, ठीक है ना, एक जल में आवेश H2O में आवेश, इसको तोड़ो भैया, इसमें क्या है हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब आपको एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भाषा में लिखना नहीं, बस लिखेगा ऑक्सीजन, ठीक है, O से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब देखना हम इसमें आवेश कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन बटा हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक एक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना एक, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन कितना एक। तो अब ये देखो एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन बराबर एक, प्रोटोन बराबर एक, तो दो में कितने हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन दो। अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आठ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आठ, एट पे आता है, तो उसमें जितना उसका परमाणु क्रमांक उतने इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर आठ, प्रोटोन भी बराबर ही होंगे आप, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटोन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटोन, जितने परमाणु क्रमांक। तो अब बढ़ते हैं, तो फिर एक ही दिया हुआ है तो उसमें टोटल कितना, ये आठ 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 इलेक्ट्रॉन आठ प्रोटोन, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटोन, तो H2O में, तो H2O में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये आठ और ये दो, आठ दो दस, ऐसे प्रोटोन कितना दस, यानी ये क्या है ऋणावेश। अब आप एक के लिए ज्ञात करोगे तो दूसरा आवेश अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना, तो ठीक है H2O में इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश कितना, एक H2O की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी की नहीं, एक इलेक्ट्रॉन में दस ऋणावेश, P में दस धनावेश, ठीक है, यानी अब देखिए, तो ये देखिए अभी आवेश का मान क्या आएगा, दस गुना ई गणना है, दस तो क्या है संख्या है, कितने आवेश इलेक्ट्रॉन है ई, अब आप मालूम है इसका मान क्या होता है दस, अब क्या ये इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपको इसको गुणा करना है दस गुना, अब ये देखिए मैं बता दूँ आपको, हाँ H2O में ऋणावेश देखिए कितना होगा, ऋणावेश H2O में ऋणावेश संख्या कितनी दस, अभी देखिए कितने इलेक्ट्रॉन दस, दस हो गए, लेकिन हमें आवेश निकालना है, आवेश निकालने के लिए उसे उस इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, एक आवेश पर कितना मान होता है एक पॉइंट छः केल्विन में माइनस उन्नीस, उसे गुणा करना पड़ेगा, इसके लिए मैं हमें बस कितना ही केल्विन में ई, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे जहाँ ई का मान क्या एक पॉइंट छः इंटू टेन की पावर माइनस उन्नीस गुलाम, क्या बात है क्या बात है, कितना सरल होने जा रहा है। अब इस देखिए एक जल में कितनी मात्रा में धन तथा ऋणावेश होता है, ये पूछा गया है आपको, जल दिखा और एक कप का ही डेढ़ ग्राम दिखा और कुछ नहीं दिखा जाता, कुछ नहीं दिखा, तो आप एम लिखिए, आपको डेढ़ ग्राम दिया हुआ जल, दिया हुआ जल को हम जानते हैं H2O होता है, H2O है तो इसका मोनो द्रव्यमान निकल, मोनो द्रव्यमान आपको मालूम है एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक और ऑक्सीजन का सोलह होता है, तो दो हाइड्रोजन का दो गुना एक प्लस सोलह बराबर अठारह। फिर हम देखेंगे एक कप में अणु की संख्या निकालने का सूत्र है, एक कप में अणु की संख्या निकालनी है तो उसके लिए दिया हुआ द्रव्यमान बड़ा मोनो द्रव्यमान गुणा अवगाद्रो संख्या, दिया हुआ एम कैपिटल एम गुणा एन अवगाद्रो का मान एक छह पॉइंट जीरो दो तीन इंटू टेन पावर प्लस तेईस, तो यहाँ एन डेढ़ सौ आपको ग्राम दिया हुआ बटा अठारह छह पॉइंट जीरो दो तीन इंटू टेन पावर तेईस, ये तो क्या हो गई एक कप में अणुओं की संख्या ज्ञात हो गई। अब अणुओं की संख्या ज्ञात हो गई तो हमें आवेश निकालना, आवेश निकालने के लिए तो एन मिला है, अब मेरे को एन ई चाहिए, एन ई क्या है दस ई है, एन ई क्या है दस ई, एक H2O में कितने कितने इलेक्ट्रॉन दस इलेक्ट्रॉन, अब दस इलेक्ट्रॉन है तो दस इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, ये देखिए इलेक्ट्रॉन कितना दस, तो अब आपको मालूम है इसका आवेश निकालने के लिए क्या होता है क्यू बराबर एन ई, तो यानी H2O के निकालेंगे एन, एन मतलब दस गुणा ई, ई मतलब ये एक पॉइंट छः टू टेन की पावर माइनस उन्नीस गुलाम। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, सूत्र है क्यू बराबर एन एन ई, एन का मान छोड़ो अभी, एन गुणा
दस की, या ये है, चलो इसको मैं लिखूंगा लिपासन थोड़ा। एक कप जल में धनावेश, जितना धनावेश होगा अपने ऋणावेश होगा, इसलिए मैं कोष्ठक लिख दूं या ऋणावेश, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में सेम ही है। दस इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन मान ही मतलब होता है प्लस माइनस का फर्क है, ज्यादा थोड़ी एक पॉइंट छह का माइनस उन्नीस रहेगा, ठीक है। तो क्यू बराबर एन एन ई एन गुना दस ई, एन का मान क्या है ऊपर से देखो 250 बट्टा 18 गुणा 6.023 10 की पावर 2 23 गुणा 10 गुणा इलेक्ट्रॉन का मान है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। कुछ नहीं किया बस मान रखना। अब इसको क्या करना है, हल करना है, हल करेंगे तो उत्तर आएगा, जो कि उत्तर देखिए ये है 1.337 × 10 के पावर 7 कूलम। यानी आप अपनी होने वाली पत्नी जी को बोलेंगे कि ये देखो मैंने फिजिक्स ऐसे ही नहीं पढ़ी है, एक कप जल में 1.337 × 10 के पावर 7 कूलम आवेश होता है, मालूम है तुझे। इसे पता कि आप अपनी शादी को कंफर्म कर रहे हैं, बधाई हो आपकी शादी होने वाली है, लड़की पट गई, ठीक है। ज्यादा बुरा मजे में मत लेना, ठीक है, बुरा मत मानना, ठीक है, थोड़ा बहुत आपके लिए मनोरंजन होना चाहिए। तो वापस देखिए एक कप जल में 250 ग्राम कितनी बार मंथन तथा निर्णय होता है, आपको वजन दिया हुआ है H2O18 है, एक कप में अनुपचन के क्या करनी है, दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान बढ़ा होगा अनुपचन क्या आओ बाद रो एम एम आप नोटिसन देना है कुछ भी तो आपकी मर्जी। एन का मान 6.02 न्यूटन पर टेस्ट, जो कि आओ बाद अनुपचन क्या होती है, फिर ये देखिए 250 / 18 गुना 6.02 न्यूटन पर टेस्ट, आप एन का मान मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, देखो क्यू बराबर एन एन ई, आपको एन मिल गया, एन ई चाहिए, एन ई निकालने के लिए देखिए अब हम ये वाला काम करेंगे, एक H2O में देखिए आवेश निकालने के लिए देखिए इसमें दो हाइड्रोजन, एक H2O में आवेश निकालने के लिए इसमें देखिए दो हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है, तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन, तो एक ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8, H2O में टोटल H2O में कितने हो जाएंगे 2 + 8 = 10, ऐसे प्रोटॉन 10। तो अब ये देखिए एक H2O में अगर 10 क्या है बोलते इलेक्ट्रॉन है तो उसमें आवेश क्या हो जाएगा 10 गुणा, उसमें क्या करना है उसको आवेश गुणा करना है 10 × E मतलब उसको एक कौन चेंज करना है 19। ये बस मान मिल गया, एन का मान मिल गया, 10 लिख दिया, मान रखा, आंसर है ये। इस प्रकार आपका ये एक जबरदस्त बहुत ही अच्छा सा एक आपका न्यूमेरिकल हो गया है। ऐसे आप वीडियो को शेयर करते रहें, मजा करते रहें। जय हिंद, जय